सोमवती अमावस्या की पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन सहित महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल का पंचामृत पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश भर में अच्छी बारिश और खुशहाली की प्रार्थना की। पूजन के दौरान महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने परंपरागत रूप से मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें शॉल व श्रीफल भेंट किया। पूजन का आयोजन पंडित राजेश गुरु द्वारा सम्पन्न कराया गया। मुख्यमंत्री यादव ने महाकालेश्वर मंदिर परिसर के अन्य मंदिरों जैसे कि वृद्ध कालेश्वर यानी जूना महाकालेश्वर और श्री अनादि कल्पेश्वर मंदिर में भी पूजा अर्चना की। पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने भगवान महाकाल के अंतिम और शाही सवारी के लिए अधिकारियों को समुचित इंतजाम करने के निर्देश दिए ताकि शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, हमने भगवान महाकाल से प्रदेश की खुशहाली और अच्छी वर्षा की प्रार्थना की है ताकि प्रदेश के किसानों को फसल उत्पादन में कोई कठिनाई ना हो और प्रदेश समृद्धि की ओर अग्रसर हो।